अरेस्ट किया है तो उनके पास कोई वजह होगी अरेस्ट करने की, और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। उसकी वजह यह है कि जब मुझे अरेस्ट किया गया दो दफा, तो उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम था। इनके ऊपर तो संगीन इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। मेरे ऊपर एक दफ़ा ये इल्ज़ाम था कि मैंने अपने वालिद की मुआवनत की, तब मेरी उम्र भी 16-17 साल थी, और उसकी पादाश में मुझे 4 महीने इन्होंने अडयाला में रखा। और उसके बाद जब मैंने नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए मूवमेंट शुरू की, जलसे शुरू किए, तो ज़ाहिर है उसमें बहुत बड़ी एक आवाम की तादाद ने शिरकत करनी शुरू कर दी। तो मैं फिर एक दिन कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब कैद थे, मैं उनको मिलने गई, तो वहाँ पर मुझे शहबाज शरीफ साहब ने, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, मुलाकात का दिन था, तो जेलर अंदर आए। मैं मियाँ साहब के साथ जेलर के ऑफिस में बैठी थी मुलाकात के लिए, मेरे बच्चे भी थे साथ, मेरी बेटी भी थी, मेरा बेटा भी था, जुनेद था और छोटी बेटी थी जो उस वक्त शायद 14-15 साल की थी, तो वो भी थी मेरे साथ। तो जब हम अंदर आए, नवाज शरीफ साहब के साथ हम बैठे, तो जेलर साहब ने अंदर आके कहा कुछ 5-10 मिनट के बाद के, शहबाज शरीफ साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। अब मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तो मियाँ साहब ने उसको कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो अंदर आने वाले थे। मैंने कहा नहीं जी। अब उसका चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस थे जो मैं पढ़ नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो मरियम बीबी को बाहर बुला रहे हैं। जब मैं बाहर गई जेल के गेट पर, तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ नैब की टीम खड़ी थी और साथ पुलिस थी। उन्होंने कहा कि बेटी आपको अरेस्ट करने आए। तो मैंने उनको कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि कोई चौधरी शुगर मिल का केस है जिस पे ये आपकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आपने अरेस्ट करना है, आप ज़रूर अरेस्ट करें, मैं अपने वालिद को ज़रा मिल के आ जाऊँ, उनको बता के आ जाऊँ कि मैं अरेस्ट होने लगी हूँ। तो मैं बड़ा अपना कंपोजर जितना मैं रख सकती थी मैंने रखा, मैं अपने वालिद के पास गई। तो मैंने उनको कहा कि बाहर मुझे नैब अरेस्ट करने आई है। ज़ाहिर है वालिद थे, घबरा गए, लेकिन बोले कुछ नहीं, वो भी बड़े कंपोज थे। और मैं, वो उठे, मैंने कहा मुझे इजाज़त दें मैं जाऊँ। तो मेरी बेटी थी छोटी, वो रोने लगी, उसकी आवाज़ें पूरे ऑफिस में आई, मैंने उसको चुप कराया। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे थे, तो अभी मैं उनसे, वो खड़े हुए मुझे मिलने के लिए, गले मिलने के लिए कि बेटी अब जेल जा रही है। तो इतने में नैब की टीम उसी ऑफिस में दाखिल हो गई और नवाज शरीफ साहब के सामने मुझे अरेस्ट कर लिया। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखना। और आपको मैं आज ये भी बता दूं कि जिस मुकदमे में इन्होंने 4 महीने मुझे, 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, क्या कौम ये जानती है कि आज तक वो मुकदमा मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ, कोई रेफरेंस नहीं बना, वो तफ्तीश वहीं रह गई जहां थी। और तफ्तीश क्या होती थी नैब में, जब मुझे इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, तो तफ्तीश क्या होती थी कि आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं, आपके घर में जो निज़ाम है वो कौन चलाता है, मियाँ साहब पार्टी की जब फैसले करते हैं तो वो मशावरत कैसे होती है, मतलब वक्त गुजारने के लिए नैब की इन्वेस्ट